Hello guys, you are watching TikTok with Ishfaq. In today's video, we will discuss RPM and CPM. भाई RPM क्या है और CPM क्या है, तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताता हूँ इसके बारे में. CPM जो है कास्ट पर मिलियन, ओके. इसका मतलब है CPM वो है जो यूट्यूब वीडियोस पे जो एड्स चलते हैं, ठीक है. ये जिन कंपनियों के या जिन लोगों के एड्स चलते हैं वो यूट्यूब को पैसा देते हैं कि हमारे इश्तहार जो है लोगों के चैनल्स पर चलाओ. तो वो जो कास्ट है, वो जो पैसा है यूट्यूब को जो देते हैं वो है CPM. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 इश्तहारात के जो है CPM जो है वो है $10. ओके, मतलब $10 1000 व्यूज़ के, 1000 एड्स के वो लोग देंगे यूट्यूब को, ठीक है. वो होता है CPM कास्ट. और RPM क्या है? RPM वो जो चैनल जिसका है, मतलब हमें जो मिलता है अर्निंग वो होता है RPM. फॉर एग्ज़ाम्पल $10 वो लोग पे करते हैं कंपनी वाले इश्तहारात के, ठीक है. वो यूट्यूब को देंगे, यूट्यूब हमें देंगे क्या? RPM. तो RPM CPM से कम होता है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल CPM 10 है तो RPM कम से कम 4 या 5 होगा, समझ गए. तो RPM जो है रेवेन्यू है, मतलब हमें जो पैसा मिलता है वो. और CPM जो है यूट्यूब जो लेता है कस्टमर से, वो जो एड्स चलाते हैं उन लोगों से. क्लियर हो गया, ठीक है. अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली अपने चैनल का जो RPM और CPM है वो बताता हूँ, ठीक है. तो ये है जनाब मेरा लास्ट 28 डेज़ का RPM, ठीक है. $1.25 है, तकरीबन $1. और इसका जो CPM है 1.7 है. अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, लास्ट 7 डेज़ का मैं देखता हूँ. तो ये है मेरा CPM 2.4 CPM है मेरे चैनल पे. इसका मतलब $2.4 तक जो है एड्स के लिए लोग पे करते हैं मेरे चैनल पे, मतलब यूट्यूब कास्ट जो है ना मेरे चैनल पे एड्स इतना है. तो अभी इसका जो RPM है मेरे चैनल का वो कितना है लास्ट 27 डेज़ में वो मैं देखता हूँ. तो ये है 1.6, मतलब YouTube मुझे देगा 1000 व्यूज़ पे $1.6, ठीक है. तो ये है भाई, इस तरह आप लोग अपना जो अर्निंग है वो मालूम कर सकते हो कि 1000 व्यूज़ पे आपको कितने डॉलर मिलेंगे और 1000 व्यूज़ पे जो है CPM क्या होता है, ठीक है. तो जितना ज़्यादा आपका CPM होगा उतना ज़्यादा आपको ये अर्निंग RPM होगा.